नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज का विषय है चाणक्य नीति। हमने 16 अध्याय देख लिए हैं, 17वां एवं अंतिम अध्याय है ये। चाणक्य नीति के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और इस अध्याय में भी चाणक्य नीति की सभी प्रकार की बातों का एक निचोड़ मिलता है। अंतिम अध्याय है, आनंद लीजिए। पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भ इव स्त्रियः। देखिए, हमारे यहां गुरु और शिक्षा, इन दोनों का बड़ा महत्व है। पुस्तक भी एक गुरु का कार्य करती है, लेकिन पुस्तक पढ़ पढ़ के पंडित तो हुआ जा सकता है, ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता है। पुस्तक पढ़ पंडित भय। आपको क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्या है, उसका वास्तविक उपयोग क्या है, यह तो जब आप गुरु के सानिध्य में होते हैं तभी प्राप्त होता है। इसलिए चाणक्य ये कहते हैं कि पुस्तक पढ़कर के जिसने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन जिसने गुरु की सेवा नहीं की, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, सभा मध्ये न शोभन्ते, वो शिष्य विद्वानों की सभा में शोभायमान नहीं होता है। जैसे जो जार स्त्री होती है, जिसको पता नहीं है कि उसके गर्भ में किसका अंश है, वो लोगों के सामने खुद को प्रकट नहीं कर पाती है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं पराशर जैसे ऋषि मत्स्यगंधा के जब संबंध बांधते हैं और व्यास जैसे पुत्र का जन्म होता है, तो उसको भी सत्यवती जो है ना, वो कहां रखती है, द्वीप पे रखती है। इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन, द्वीप अयनम यस्य सः, द्वीप है घर जिनका, ऐसा द्वैपायन उनका नाम पड़ा। क्योंकि माता को लोगों के बीच में, कुमारी माता कैसे अपने पुत्र को लोगों के बीच में प्रकट करे। ऐसे विद्यार्थी जो गुरु के पास नहीं पढ़ते हैं, मात्र पुस्तक से पढ़ते हैं, विद्वानों की सभा में वो शोभायमान नहीं होते हैं, क्योंकि वहां जाकर के सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं किया करता है। वहां आपने क्या सीखा है, क्या संस्कार प्राप्त किए हैं, वो भी आवश्यक होता है। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात्। देखिए, चाणक्य का स्वभाव है, चाणक्य इस तरीके से बात करते हैं। वो गांधी जी की तरह नहीं कहते हैं कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। नहीं, चाणक्य कहते हैं कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। भाई, कोई आपके साथ उपकार कर रहा है तो उसके साथ उपकार कीजिए, यह मत भूलिए। उपकारी के साथ अपकार करना कृतघ्नता होती है। आप जीवन में कृतज्ञ बनिए, कृतघ्न मत बनिए। बहुत बड़ा अंतर नहीं है कृतघ्न और कृतज्ञ। कृतज्ञ बनेंगे तो स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, और कृतघ्न अगर आप बनते हैं तो नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात्। चाणक्य कहते हैं जो आपके ऊपर उपकार करता है उसके साथ उपकार का व्यवहार कीजिए, हिंसने प्रतिहिंसनम। लेकिन अगर कोई आपके साथ हिंसा का व्यवहार करता है तो चाणक्य कहते हैं उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, हिंसक के साथ हिंसा का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तत्र दोषो न पतितम, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। दुष्टे दुष्टम समाचरेत, ये शास्त्र कहते हैं कि दुष्ट के साथ तो दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। धर्म नीति कुछ अलग ढंग से बात करती है। समाज में अगर आप रह रहे हैं तो आपके साथ किसी ने हिंसा की है तो आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते। आप पुलिस में उसकी फरियाद कीजिए, आप उसके साथ जो भी कानूनी कार्यवाही हो कीजिए। शास्त्र तो यही कहते हैं, हमारा संविधान भी ये कहता है कि किसी ने आपको मारा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसको मारने लग जाएंगे। नहीं, लेकिन
यहां जो चाणक्य की नीति है वो स्पष्ट कहती है कि अगर किसी ने हिंसा की है ठीक है, आप शारीरिक मत कीजिए, लेकिन आप दूसरे प्रकार की हिंसा कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि क्षमा शब्द जो है चाणक्य की नीति नहीं सिखाती है, वो तो यही कहती है कि भाई दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार, जो जैसा है जैसे के साथ तैसा बनना चाहिए, यह चाणक्य का स्पष्ट मानना है। यद्दूरम यद्दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। भाई कहते हैं कि जो दूर है यानी आपकी पहुंच से बाहर है, जो दुराराध्य है जो आपके वश में नहीं है, जो दूरे व्यवस्थितम जो आपकी पहुंच से कहीं बहुत उपस्थित है, यानी जो आपके लिए साध्य नहीं है, जो सहजाई से आपको मिलने वाला नहीं है, जो हर तरीके से आपको लगे कि इसका मिलना कठिन है, ये मिल ही नहीं सकता है, तत्सर्वम तपसा साध्यम, वो सब कुछ तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तपो ही दुरतिक्रम, क्योंकि तप के सामने और किसी की नहीं चलती है, क्योंकि तप की शक्ति सबसे प्रबल मानी गई है। देखिए अभी महाभारत के वीडियो चल रहे थे और इसमें अर्जुन जब वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की है, तब भी यही बात आई। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले दिन पहले महीने फल खाके फूल खा करके रहे, दूसरे महीने उन्होंने खाली जलाहार किया, तीसरे महीने उसका भी परित्याग कर दिया और चौथे महीने तो हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। जब व्यक्ति तपस्या करता है, जब कठिन परिश्रम करता है, तो असंभव शब्द ही असंभव रह जाता है, इसके अलावा इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। एक बड़े महान संत हुए हरि बाबा, पंजाब में हो गए, होशियारपुर संभवतः उनका स्थान था, मैंने बचपन में उनकी कथाएं पढ़ी। वो हमेशा कहा करते थे असंभव शब्द ही असंभव है, इसके अलावा डिक्शनरी में जो असंभव शब्द लिखा है उसका और कोई अर्थ नहीं है, जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तपस्या से सब कुछ संभव है। यही बात यहां चाणक्य कहते हैं, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई सत्यम चेत तपसा च किम सुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनै अप्यसो यद्यस्ति किम मृत्युना। बड़ा सुंदर श्लोक है, गाने के लिए भी अच्छा है और जो इसमें विषय है वो भी बड़ा सुंदर विषय है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर लोभ है तो अन्य किसी दुर्गुण की जरूरत नहीं है, सारे दुर्गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे अगर लोभ आपके अंदर है। लोभा पापस्य कारणम, इसीलिए कहा गया है। विसुनता यद्यस्ति किम पात कई, अगर आपके अंदर निर्दयता है तो फिर और किसी पाप की जरूरत ही नहीं है, यानी निर्दयी व्यक्ति है वो हर जगह पाप आचरण ही करेगा। तो अगर आपके अंदर पिशुनता है, अगर आपके अंदर निर्दयता है, आपके अंदर अगर पशुता है, तो फिर किसी अन्य पाप को करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम चेत तपसा किम, अगर आप सत्यवादी हैं, अगर आप सत्य का आचरण करने वाले हैं, फिर कोई अन्य तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ये स्वयं में सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आपका शुचि मनो मन पवित्र है तो फिर तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है, कितना भी किसी भी तीर्थ में चले जाइए, गंगा स्नान से आपकी शारीरिक शुद्धि तो होती है लेकिन मानसिक शुद्धि तभी संभव है जब आप वास्तव में गंगा को अपने अंदर में उतारें। जब आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर के शांत मन से आपके द्वारा किए गए कर्मों का विचार करते हैं कि मुझसे जो कुछ ये हुआ है इसमें क्या श्रेष्ठ है और क्या निकृष्ट है, और वहां जब आप ये निर्णय करते हैं कि आज के बाद मैं कोई निकृष्ट कर्म नहीं करूंगा और आज के बाद मैं सिर्फ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म ही किया करूंगा, जब आपका मन इस प्रकार से पवित्र होता है,
तभी फायदा है तीर्थ यात्रा का। नहीं तो तीर्थों में सिर्फ मंदिर के दर्शन करने से या नदियों के स्नान करने से या सरोवरों में डुबकी लगाने से किसी की आत्मा पवित्र नहीं हुआ करती है। अगर आपका मन पवित्र है तो किसी तीर्थ यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। चाणक्य कहते हैं सौजन्यम यदि किम गुणे ही, अगर आपके अंदर सज्जनता है, अगर आपके अंदर सुजनता है, अगर आपके अंदर सौजन्य है तो फिर और किसी गुण की जरूरत नहीं है। क्योंकि सज्जनता सौजन्य जो होता है ना, वो स्वयं में इतना महान गुण है कि सब आपके हो जाएंगे, सब आपको घेर लेंगे, सब आपको अपना कहेंगे। अब इससे बड़ा तो और गुण क्या हो सकता है। सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडने, अगर व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति का यश है तो फिर भैया अपने आभूषण पहने हो या ना पहने हो, आपका यश जो है वो आपको सर्वविख्यात बना देगा, वो आपको सर्वसिद्ध बना देगा, वो आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। फिर आप तैयार हो आभूषण पहने या ना पहने, उससे कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन आपका यश जो है सर्वत्र आपको ख्याति दिलवा देता है। इसके लिए फिर मंडन की जरूरत नहीं है, अलंकार धारण करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अलंकार व्यक्ति की कीर्ति है। अगर उसके पास यश है, उसके पास कीर्ति है, तो और किसी अलंकार की उसको आवश्यकता नहीं है। सद विद्या यदि अस्ति किम धनी, अगर व्यक्ति के पास उत्तम विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। देखिए, विद्या से धन कमाया जा सकता है, धन से विद्या नहीं खरीदी जा सकती है। हां, धन से विद्वान खरीदा जा सकता है। आप पैसे वाले हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप 10-5 इंजीनियर अपने यहां रख लीजिए, आप अपने काम चलाते रहिए, एक मैनेजर रख लिए, वो उन सबको मैनेज करेगा, पैसा आपके पास है, आप लोगों को खरीद सकते हैं लेकिन विद्या नहीं खरीद सकते। आप विद्वान बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए, ये संभव नहीं है। आप मैनेजर बन जाए, ये संभव नहीं है। आप मैनेजर रख सकते हैं लेकिन आप मैनेजर नहीं बन सकते। आप इंजीनियर रख सकते हैं लेकिन आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। धन से विद्या को खरीदा नहीं जा सकता है। अगर सद विद्या हो तो धन की कोई जरूरत नहीं है, धन तो आपके आगे पीछे दौड़ेगा। अपयशो यद्यस्ति की मृत्युना, और अगर व्यक्ति का अपयश हो तो फिर मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया अपयश है ना, तो हर कदम कदम पे आपको वैसे ही मरना पड़ेगा। कहीं भी जाएंगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने ऐसा बुरा कार्य किया है, हैं? लोग आपके मुंह पे कहेंगे, लोग आपके पीठ पीछे कहेंगे, लोग आपके बच्चों के सामने आपकी निंदा करेंगे, लोग आपके बड़ों के सामने आपकी निंदा करेंगे। हर क्षण सिर्फ आपको नहीं मरना है, आपके बच्चों को भी बुरा लगेगा। ये चोर का बेटा है, ये चोर का पिता है, इसका बेटा ऐसा है, इसका बाप ऐसा है, आपको तो सुनने को मिलेगा लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार की भी मृत्यु होती है। मृत्यु से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन जिस समय अपयश होता है उस समय उस व्यक्ति की नहीं, उसके सारे परिवार की जिंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए अगर अपयश है तो मृत्यु की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। पिता रत्ना करो यस्य लक्ष्मी यस्य सहोदरी, संखो भिक्षाटनम कुर्यान नदत्तम उपतिष्ठते। शंख का वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं रत्नाकर, जो रत्नों का भंडार है, ऐसा समुद्र जिनके पिता हैं, और स्वयं मां लक्ष्मी जिसकी बहन है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से सभी रत्न निकले तो शंख भी एक रत्न के रूप में प्रकट हुआ है और लक्ष्मी जी भी एक रत्न के रूप में प्रकट हुई। तो उसी समुद्र से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति है, उसी से शंख की उत्पत्ति है। तो लक्ष्मी जिसकी बहन है और समुद्र जिसके पिता है, समुद्र क्या, रत्नाकर, सभी प्रकार के रत्न जिसके अंदर विद्यमान है, और उसमें से उत्पन्न हुआ ये शंख जो है ना, भिक्षाटनम कुर्याति, भीख मांगता है, हैं? तो भैया कुल से बात नहीं बनती है कि आप किस कुल के हैं, आपके भाई बंधु बांधव कैसे हैं उससे भी बात नहीं बनती है, आपका घर कितना समृद्ध है इससे भी बात नहीं बनती है। अगर आप में कुछ नहीं है तो आप जब बजेंगे तो भिक्षा ही मांगेंगे,
इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शंख जैसे मत बनिए, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो भिक्षा मांगने के काम आए, जिसको बजा बजा करके भीख मांगी जाए, वो मत बनिए। बनना है तो श्रेष्ठ बनिए। असक्तस्तु भवेत साधु ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देव भक्तस्य वृद्धा नारी पतिव्रता। चाणक्य कितना बढ़िया व्यंग्य करते हैं कि जो व्यक्ति असक्त होता है ना, वो साधु बन जाता है। घर में खाने को नहीं है, पत्नी रोज मारती हो, भैया गेरुआ वस्त्र पहनो, एक चिमटा उठाओ और अलक निरंजन बन जाओ। असक्त यानी आपके अंदर शक्ति नहीं है, इस संसार का सामना करने की आप में ताकत नहीं है, तो आप साधु बन जाया करते हैं। ये वास्तव में साधु नहीं होते हैं, तो स्वाधु होते हैं। चाणक्य उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जिसमें शक्ति नहीं वो साधु बन जाता है, जिसके पास धन नहीं वो ब्रह्मचारी बन जाता है। अरे भैया जब धन ही नहीं है तो स्त्री आपके पास कहां से आएगी, फिर आप खूब बने रहो ब्रह्मचारी। अरे लोग आपके पीछे घूमे आपके पास, यहां धन सिर्फ पैसा नहीं होता है, स्त्री तो कई प्रकार की होती है। आपके पास शक्ति हो तो बल श्री है, पैसा हो तो धन श्री है, विद्या हो तो विद्या श्री है, सौंदर्य हो, रूप हो आपके पास, आप बहुत सुंदर हो तो आपके पास रूप श्री है। किसी भी प्रकार का धन अगर आपके पास है ना, तो स्त्रियां आपके आसपास घूमेंगी ना। आपके पास किसी प्रकार का धन ही नहीं, आप निर्धन है, फिर आप कहें कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि जब कोई आपके आसपास ही नहीं आया तो खूब ब्रह्मचारी बने रहिए। व्याधिष्ठो देव भक्तश्च, और जिसको रोग हो जाता है, जिसको व्याधि हो जाती है, जिसको आधी व्याधि लगती है, वो बड़ा भगवान का भक्त होता है। हर वक्त उठते उठते ओ भगवान तुम्हारी माया है, फिर बड़ा भगवान याद आता है। तो रोगी व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाया करता है। वृद्धा नारी पतिव्रता, और ऐसी नारी वो पतिव्रता बन जाती है जो वृद्ध हो चुकी है। अब भैया अंग ही साथ नहीं दे रहे हैं, इंद्रियां साथ नहीं दे रहे हैं, अब खूब पतिव्रता बनी रहो। तो इस प्रकार के लोगों के ये गुण धर्म जो हैं, ये सराहनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, ये तो मजबूरी है। अगर गौतम बुद्ध की तरह नवयुवान यशोधरा जैसी पत्नी है और सुंदर पुत्र, उसको छोड़ करके कोई बाबा बनता है ना, कोई योगी बनता है, कोई धर्मात्मा बनता है, कोई संत बनता है, तो वो एक बात है। लेकिन अब कोई है ही नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा, और फिर उन्होंने कहा कि चलो भैया साधु हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, भक्त बन जाओ। वृद्धावस्था में कोई स्त्री ये कहे कि मैं पतिव्रता हूं, या मुझे अपने पति के अलावा और किसी की तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों उठाओगे भैया, कौन सी तुम्हारी इंद्रियां इस चीज की डिमांड कर रही हैं। ना नोदक समानदानम, ना तिथिर द्वादशी समा, ना गायत्र्या परो मंत्रो, न मातुर दैवतम परम। बड़ा सुंदर श्लोक है, जीवन में याद रखिए, जल दान से बड़ा कोई दान नहीं है। देखिए जीवन में व्यक्ति खाए बिना रह सकता है, लेकिन अगर उसको प्यास लगी है ना, तो आप पानी के लिए मना मत कीजिए। जल दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और माता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जीवन में अगर माता पिता की पूजा नहीं की, तो आप सारे तीर्थ कर लीजिए, सारे देवी देवताओं को मना लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। आज गणपति प्रथम पूजा अगर प्राप्त करते हैं, तो आप उसकी कथा जानते हैं, उसका कारण जानते हैं, कि जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का नंबर आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की परिक्रमा की, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि नहीं, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, सारे तीर्थ जितने भी उत्तम स्थान हैं, सब माता पिता के चरणों में विद्यमान होते हैं। तो माता पिता के चरणों की सेवा कीजिए, फिर आपको किसी अन्य तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं रह जाएगी। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम सिरे, वृश्चिकस्य विषम पुंछे, सर्वांगे दुर्जनो विषम। याद रखिएगा जीवन में, इस श्लोक को अगर आप भूल गए तो जिंदगी भर पछताएंगे।
सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बीची की पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुर्जन होता है उसके अंग प्रत्यंग में विष होता है। सांप के सिर्फ दांतों से बचे रहेंगे ना तो उसके विष की असर नहीं होगी, मक्खी के सिर से बचे रहेंगे तो फिर उसकी कोई आपको बुरी असर नहीं होगी, ऊपर से मध आपको प्राप्त होगा, आपको शहद की प्राप्ति होगी। बीची के डंक से बचे रहिए, उसकी पूंछ अगर आपको डंक नहीं मार पाती है तो वहां आप सुरक्षित हैं। लेकिन भैया दुर्जन से आप किसी तरीके से नहीं बच सकते हैं, उसके तो हाथों में, पैरों में, मुंह में, आंखों में, सिर में, दिमाग में, सब जगह विष ही विष होता है। तो कभी भी दुर्जन का साथ मत कीजिए, नहीं तो उसके साथ से तो अवश्य ही आप विष का भोग बन जाएंगे। पत्युराज्ञाम बिना नारी उपोष्य व्रताचारिणी आयुष्याम हरते भरतो सा नारी नरकम व्रजेत। देखिए यहां पे ये उस जमाने की बात है जिस समय स्त्रियां सिर्फ घर में हुआ करती थी, आज की तरह सामाजिक जीवन में, जिसको हम कहें कि व्यवसाय में, व्यवहार में, बाहर नहीं हुआ करती थी, तो स्त्री को हर तरीके से अपने पति का ख्याल रखना यही उसकी जवाबदारी होती थी। तो कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना अगर कोई नारी उपवास करती है, व्रत करती है, तो अपने पति की आयु का हरण करने वाली होती है और वो नारी नरक में जाती है। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में इस चीज को आपको समझा दूं, बड़ी सरल भाषा में समझा दूं, आप इस पूरी कथा में मत जाइए नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, आजकल की स्थितियां अलग हैं। अगर आपका पति आपके साथ बेवफाई करता है, अगर आप भी बाहर नौकरी करते हैं, तो आप भी ये सोच सकते हैं कि ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे यहां तो जिसको कहते हैं कि तलाक या जिसको कहते हैं डिवोर्स, इसकी भी कोई प्रथा नहीं थी, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। हमसे किसी ने कहा कि विवाह विच्छेद, मैं कह ये तो आपने दो शब्दों को इकट्ठा करके ये शब्द बनाया है। यानी नारी संपूर्ण रूप से अपने पति के अधीन हुआ करती थी, उस पर आश्रित हुआ करती थी। अब आप विचार कीजिए कि अगर कोई स्त्री कह रही है कि हमारा तो आज व्रत है, मैंने तो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत किया है, और उसका पति कहता है कि नहीं व्रत भले आपने किया लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मुझे चाहिए, और पत्नी अगर कहती कि नहीं मेरा तो व्रत है, आप मुझसे दूर ही रहिए क्योंकि व्रत में इंद्रियों को वश में रखना बड़ा जरूरी है, तो तुम नहीं तो कोई और सही, क्योंकि वो तो बाहर घूमता है और किसी और के प्रेम में पड़ गया तो सारी जिंदगी आपको नरक भोगना पड़ेगा। यानी जीते जी आपने उस व्रत को करके और अपने लिए जिंदगी में नरक कमा लिया। इसलिए कहते हैं कि अगर पति की आज्ञा नहीं तो व्रत मत कीजिए, उतना ही व्रत और आचरण कीजिए जितना पति ने कहा है, उतना मान लीजिए, आप सुखी बने रहेंगे, आपका पति भी सुखी रहेगा, आपका घर संसार सुखी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी मर्जी से कि नहीं मेरा तो आज व्रत है और मैंने तो नवरात्रि किया है और मैंने तो ये रात्रि की है और मैंने तो वो किया है, तो ऐसे में कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको उसका फल मीठा मिलने की बजाय कड़वा मिल जाए। न दाने शुद्ध्यते नारी नोपवास सतैरपि न तीर्थ सेवया तद्वत भर्तु पादोदकैर यथा। भाई थोड़ा आपको लगेगा कि चाणक्य तो स्त्रियों के विरोधी हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता को थोड़ा समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वो कहती हैं कि कोई नारी जो है वो दान करने से शुद्ध नहीं बनती है, वो व्रत और उपवास से भी शुद्ध नहीं बनती है, वो तीर्थ यात्रा या किसी अन्य की सेवा से भी शुद्ध नहीं बनती है, वो अपने पति के पादोदक से शुद्ध बनती है। यहां पादोदक को शब्दशः मत लीजिए, यानी पति की सम्मति से जो कार्य किया जाएगा उससे ही उसका कल्याण है, बाकी अपनी मर्जी से अगर वो इनमें से कोई भी काम करती रहेगी
चाहे व्रत कर ले, चाहे उपवास कर ले, चाहे तीर्थ यात्रा कर ले, पति की सम्मति नहीं है, तो ये सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ रहेंगी। उसके जीवन में सुख इनमें से किसी चीज से नहीं मिलेगा। सुख तो पति की सम्मति के साथ चलने में ही मिलेगा। तो जीवन में ये सिर्फ पत्नी के लिए ऐसा नहीं है, पति के लिए भी है कि पति तीर्थ यात्रा करे, घूमे फिरे, ये सब करे, पत्नी की सम्मति अगर नहीं है तो वो सुखी नहीं रह सकता है। तो यहां वायसा वर्सेस लेना है, यहां पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। इस प्रकार से अगर आप इस चीज को समझेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च श्वान मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। आजकल तो स्थितियां कुछ बदल गई हैं, बाथरूम अलग होते हैं, बाथरूम में अलग पात्र होते हैं और हम वहां हाथ पैर धोते हैं वॉश बेसिन में, लेकिन अभी भी कई जगह पे ऐसा है। अगर आपने लोटा भर के अपने पैर धोए हैं या किसी के पैर धोए हैं और उसमें पानी बच गया है, उस जल को आप पीते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे यहां क्या मानते हैं कि जैसे करंट दौड़ता है ऐसे अशुद्धता दौड़ती है। अब आजकल तो जब कोरोना चल रहा है तो आप इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कहते हैं कि किसी चीज को टच मत करो। अब आप समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक का वायर है और उसके ऊपर आप पानी की धार डालेंगे तो क्या होगा? करंट आपके हाथ तक आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप अपने पैरों को धोने के लिए किसी पात्र से जल डालते हैं तो पैरों की अशुद्धता की असर उस जल धारा के साथ आपके पात्र तक आ गई है, ऐसा शास्त्र मानते हैं। देखिए, ये साइंटिफिक है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साइंटिफिक है। क्यों आप किचन में अलग नल लगाते हैं और बाथरूम में अलग नल लगाते हैं, जबकि टंकी तो ऊपर एक ही होती है आपकी। अगर एक ही टंकी से दो जगह पानी आता है, आप किचन के नल का पानी पी सकते हैं, बाथरूम के नल का पानी क्यों नहीं पीते हैं? बस वही सीधा सीधा गणित यहां पे है कि पैर धोने वाले बचे हुए जल को पिया नहीं जा सकता है। जो आपने पिया हो पानी और उसमें से बच गया तो आप भले पी लें, लेकिन किसी और ने जल पिया है और उस पात्र में जल बच गया है तो उस जल को भी आप नहीं पी सकते। आजकल तो एक ही बोतल से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जितने सब पानी पीते चले जाते हैं। एक ही बोतल होती, उनने डाला, उनने डाला, उनने डाला, उनने डाला, सब पीते चले जाते हैं। नहीं, पीत शेषम पिए हुए से बचा हुआ पानी संध्या शेषम, जो संध्या वंदन वगैरह किया जाता है सायंकाल, वो जल सीधा सूर्य को अर्घ के रूप में चढ़ाना होता है, उस जल को पिया नहीं जा सकता है। हाँ, संध्या करने के समय पे आप पीते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, जब आप उनका आचमन करते हैं तो उस जल का पान आप करते हैं, लेकिन संध्या वंदन पूर्ण हो गया उसके बाद उस बचे हुए जल को सिर्फ और सिर्फ किसी वृक्ष पे या सूर्य के लिए अर्घ दे दिया जाता है, उस जल को पिया नहीं जाता है। तो पैर धोने से बचा हुआ जल, किसी के पीने से बचा हुआ जल और संध्या वंदन के बाद बचा हुआ जल, श्वान मूत्रम समम तोयम, ये जल कुत्ते के मूत्र के समान होता है। पीत्वा, अगर आप इसको पीते हैं, चांद्रायणम चरेत, तो आपको चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देखिए, विशिष्ट उल्लेख है, जो लोग एक ही बोतल से सब लोग पानी पीते हैं उनको इस समय ये विचार करने की चीज है। कोरोना में तो वैसे अभी हमारे यहाँ परीक्षा चल रही है, पहले क्या होता था कि एक जग लिया, एक ग्लास लिया, क्लासरूम के सभी विद्यार्थियों को पानी पिलाया जाता था, वो बढ़ते गए, वो पीते गए, उनने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे वही एक ही गिलास सबके पानी पीने में चलता रहता था। लेकिन कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बंद करो, अपने अपने घर से पानी की बोतल लेके आओ, अपनी अपनी बोतल लेके आओ, आप बोतल भी शेयर नहीं कर सकते हो, आप ग्लास भी शेयर नहीं कर सकते हो, आप पानी ही नहीं शेयर कर सकते हो। क्यों भैया? यही कारण, ये वैज्ञानिक सत्य है और ये वैज्ञानिक तथ्य है। अगर मुझे कोई बीमारी है, मैं अगर एक बोतल से पानी पी रहा हूं, वो पानी की धार जब मेरे गले के अंदर जाएगी, मेरे मुंह के अंदर जाएगी, तो उसकी असर करंट की तरह उस पानी में उसके जो भी तंत्र हैं,
जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं या जो भी वायरस है वो वहां तक असर करेगा, और फिर उससे जो जो पानी पिएंगे उन सब के ऊपर उसकी असर होगी। तो भैया पैर धोने से बचा हुआ जल, किसी के पीने से बचा हुआ जल, संध्या वंदन के बाद के जल की बात यह है कि वो एक नियम इस प्रकार का बनाया गया कि उस जल को आप किसी वृक्ष पे चढ़ा दीजिए, सूर्य के अर्घ्य के रूप में चढ़ा दीजिए, इस बहाने से उस जल को आप सदुपयोग कर पाएंगे, इसलिए उसका निषेध है। तो इन जल का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको चांद्रायणम चरित। अब देखिए चांद्रायण व्रत क्या होता है, फिर देखिए साइंस, जिस प्रकार से चंद्रमा घटता है और जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार से आपका भोजन और खुराक बढ़ती है। यानी प्रतिपदा के दिन आपको एक ही गस्सा खाना है, द्वितीया के दिन दो कौर आप खाएंगे, और ऐसे पूर्णिमासी के दिन आप 15 कौर खा सकते हैं, यानी भरपेट भोजन कर सकते हैं, और फिर आपका भोजन धीरे धीरे फिर कम होता चला जाएगा। फिर जब 14 आएगी तो फिर प्रतिपदा आएगी, तो चंद्रमा जितना बड़ा होता है उस हिसाब से आपको एक कौर कम करना है, फिर द्वितीय आएगी तो आपको दो कौर कम करने हैं, और ऐसे करते करते अमावस के दिन आपका संपूर्ण व्रत होगा, तब ये चांद्रायण व्रत एक महीने में पूर्ण होता है। आज देखिए कोरोना में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ अलग, आपका पानी अलग, आपका ग्लास अलग, आपके बर्तन अलग, आपके कपड़े अलग, आपका नहाना अलग, आपका धोना अलग। अरे आपके ये तो ठीक है, नहीं तो उन 14 दिन के लिए माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सब आपसे दूर हो जाते हैं, तब आप क्वारंटाइन। तो इन चीजों का हमारे यहां जो विधान था वो बड़ा ही उपयुक्त था। दानेन पाणिर नतु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर नतु चंदनेन मानेन तृप्तिर नतु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर नतु मुंडनेन। भैया हाथ पवित्र होते हैं दान करने से, आपने कितने भी कंगन कितनी भी अंगूठियां पहन ली हो, इससे हाथ आपके जो है ना वो शोभायमान नहीं होते हैं। हाथों की शोभा दान देने में है, हाथों में सुंदर सुंदर आभूषण धारण करने में नहीं है। हाथ शोभायमान होते हैं दान देने से। व्यक्ति पवित्र बनता है स्नानेन शुद्धिर न तो चंदनेन। आप कितना भी परफ्यूम लगा लीजिए, कितना भी डिओड्रेंट का उपयोग कर लीजिए, कितना भी पाउडर अपने ऊपर छिड़क लीजिए, लेकिन स्नान करने के बाद जो आपको शांति शुद्धि लोगों को दिखाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप परफ्यूम लगा लेंगे, नहीं मेरे अंदर से कोई बदबू नहीं आ रही, ऊपर से सुगंधी आ रही मेरे अंदर से। आप कितना भी परफ्यूम लगा लें, आप कितना भी पाउडर लगा लें, लेकिन जब आप स्नान करके निकलते हैं जो संतोष जो सुकून जो तृप्ति आपको मिलती है वो इन सब चीजों से नहीं मिलेगी। तो शुद्धता जो है वो स्नान से आती है, चंदन लगाने से नहीं आती है। माने न तृप्ति, अगर कोई आपका सम्मान करता है, कोई आपका आदर करता है, तो इससे आपको तृप्ति मिलती है, इससे आपको सुकून मिलता है। तृप्ति जो है वो कह रहे हैं भोजन से नहीं मिलती। आप कितना भी भोजन कर लीजिए, आप कितना भी खा लीजिए, लेकिन इससे आपको तृप्ति नहीं मिल सकती है। तृप्ति व्यक्ति को यश मान और सम्मान से मिलती है, भोजन करने से पेट नहीं भरता है। भोजन आप कितना भी कर लीजिए फिर भूख लग जाएगी, लेकिन किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी हो ना तो 2-5 दिन नहीं, जब तक आपको प्रशंसा याद रहेगी आनंद में आपका दिन गुजर जाएगा। ज्ञानेन मुक्तिर नतु मंडनेन, मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है, मंडन से नहीं मिलती है। मंडन का अर्थ है कि तरह तरह से आपने तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, ये किया वो किया, और आप बड़ा खुद को ज्ञानी दिखा रहे हो, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में आप ज्ञानी हैं तो ही आपको मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान का दिखावा आडंबर से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिला करती है। नापितस्य गृहे छोरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्य सक्रस्यापि श्रियम हरेत। देखिए पानी में अपना मुख नहीं देखना चाहिए, नाव के यहां जाकर के कभी बाल नहीं बनवाने चाहिए। तो आप कहेंगे कि बाल कहां बनवाएंगे, आप हजाम के घर नहीं जा सकते, ये नियम के विरुद्ध है, ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, बाकी तो ठीक है। आज
कोरोना चल रहा है इसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। बड़े बड़े जो हेयर कटिंग सैलून थे वो बंद हो गए, लोग घर पे बुलाने लगे, भैया हमारे घर आ जाओ, हमारे बाल काट के चले जाओ। कुछ हम जैसे जिनने 6 महीने से बाल ही नहीं कटवाए, अपने आप काट लिए तो काट लिए, बाकी बाल कटवाए नहीं, क्या करें, डर तो है ना। यानी अगर आप उसके घर पे जाते हैं तो उसके घर पे बहुत प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं जिसके कारण आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। इसलिए कहा है नापितस्य गृहे चोरम, उसके घर पे बाल कटवाने नहीं जा सकते हैं। पाषाणे गंध लेपनम, आप पत्थर पे से लेकर के त्रिपुण लगाए नहीं, चंदन को पहले पत्थर पे घिसिए उसके बाद उसको किसी कटोरी में समेटिए फिर आप लगा सकते हैं। सीधा पत्थर पे से चंदन नहीं लगाया जा सकता है, पत्थर पे से जो चंदन लगाते हैं उसको भी दोषपूर्ण माना गया है। आत्म रूपम जलम पश्ये, अपने चेहरे को जल में नहीं देखना चाहिए। जब हमारे किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ इस प्रकार की घटनाएं बनती हैं, तभी इस चीज को देखा जाता है, तो कुएं में झांक करके नहीं देखना चाहिए। आप पात्रों में भी जल भर के अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। कहते हैं इन स्थितियों में सकृत्स्याप श्रियम हरित, इंद्र की भी संपत्ति समाप्त हो जाए, इतना गलत इसका असर होता है। इसको इतना अशुभ माना गया है कि इंद्र भी अगर ये कार्य करे ना तो वो भी दरिद्र हो जाए। तो भैया हमें तो आपको नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे तो फिर बाल कटवाएं कहां, इसलिए घर पे नहीं जाते हैं, आपने दुकान बना ली है। अगर कोई नाव ऐसा है जो उसी दुकान में रहता है, उसी को अपने घर के तौर पे उपयोग करता है, तो आप उसके यहां मत जाइए, किसी अन्य के यहां जाइए। थोड़ी चीजें ऐसी हैं कि आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब सब चीजों का नहीं होता है, कुछ चीजें श्रद्धा से विश्वास रखने से उसके फल मिलते हैं। अब आप से कहते नहीं बनता है, नहीं तो आप अगर विश्वास ना करें कि कौन आपकी माता है कौन आपके पिता है, तो फिर डीएनए टेस्ट हर बालक नहीं करवा सकता है। और हर बालक अगर डीएनए टेस्ट करवाने लग जाए ना तो इस दुनिया का सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। सद्यः प्रज्ञा हरा तुंडी, सद्यः प्रज्ञा करी वचा, सद्यः शक्ति हरा नारी, सद्यः शक्ति कर्म पया। इन चीजों को याद रखिए। कुंदरू होता है, गुजरात में उसको टिंडोड़ा बोलते हैं, गिलोड़ा बोलते हैं। कहते हैं कि इसको खाने से बुद्धि का नाश होता है, ये बुद्धि का हरण करने वाली है, और वचा जो होती है ये बुद्धि को बढ़ाने वाली है। तो वच जो है वो बुद्धि को बढ़ाती है, और कुंदरू जो है वो बुद्धि को घटाता है। स्त्री के लिए कहते हैं कि आप संभोग कीजिए, तुरंत ही आप ऐसे निढाल हो जाएंगे, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अब थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि फिर वो जो शक्ति है ना वो क्षीण हो जाती है। तो सद्या शक्ति हरी नारी, नारी जो है वो तुरंत व्यक्ति की शक्ति का हरण कर लेती है। अब इसको आप संभोग के साथ भी जोड़ सकते हैं, और इसको आप देख लीजिए, किसी स्त्री के सामने आप पहुंच जाइए, फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता आदमी, अपनी बातें उसकी सब जो है वो गायब हो जाती हैं, तो उसकी शक्ति जो है स्त्री के सामने क्षीण हो जाती है, स्त्री के सामने बोल ही नहीं पाएगा, स्त्री के सामने व्यवहार नहीं कर पाएगा, वो जैसे कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके सामने व्यक्ति के पुरुष की शक्ति काम नहीं करती है। इस तरीके से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। और ये भी सत्य है कि संभोग करने के बाद तुरंत जो है व्यक्ति को एक थकान महसूस होती है, क्योंकि अगर संपूर्ण संभोग उसने किया है तो शक्ति का उसमें व्यय होता है, और जब शक्ति का व्यय होता है तो थोड़ी दिन थकान लगती है, हाँ फिर निद्रा के बाद जो ताजगी आती है, जो आनंद आता है, वो एक अलग चीज है। सद्या शक्ति कर्म पया, और दूध जो है वो ये तुरंत शक्ति को देने वाला है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो दूध का पान कीजिए, आप दूध पियेंगे तुरंत आपको एनर्जी की प्राप्ति होगी, चाहे कितने भी एनर्जी ड्रिंक आपको मार्केट में मिलते हो, लेकिन दूध से बड़ा कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। ये आप याद रखिए, सारे ड्रिंक जो हैं वो सब बनावटी हैं, किसी में भी ओरिजिनल प्रोटीन से लेके सारी चीजें नहीं है जिस प्रकार से दूध में है। लेकिन चूंकि दूध इन सब का एकमात्र विरोधी है, इसलिए सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े डॉक्टर भी जो है ना वो इस चीज का विरोध करते कि नहीं, दूध तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है,
भैया पिछले जितने वर्ष की जिंदगी हुई है 50 साल से ऊपर का हो गया हूं, नित्य प्रति दूध पिया है और इसी वजह से जिस प्रकार से स्वस्थ रहता हूं या जिस प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है वो इस दूध की बड़ी महिमा है। दूध तुरंत शक्ति देने वाला है। यदि राम यदि तनयो विनय गुणो पेता तनये तनयोत्पत्ति ही सुरवर नगरे किमाधिक्यम। एक बड़ा ही विशिष्ट श्लोक चाणक्य प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि घर में रमा विद्यमान हो यानी लक्ष्मी विद्यमान हो और घर में रामा यानी आपकी प्रियतमा विद्यमान हो और आपकी जो संतान हो वो विनय विनम्रता से युक्त हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में लक्ष्मी विद्यमान है, संपत्ति समृद्धि विद्यमान है और आपकी प्रिय पत्नी विद्यमान है, पत्नी होना और प्रिय होना दोनों चीजें होनी चाहिए, तब की बात है, और आपके घर में आपकी विनम्र संतान हो जो आपकी आज्ञा का पालन करती हो, और इसके बाद तनय तनयोत्पत्ति, अगर आपके पुत्र के यहां एक पुत्र और हो जाए तो भैया सुरवर नगरे किमाधिकम, तो स्वर्ग में भी इससे अधिक और कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे बड़ा स्वर्गीय सुख अन्य कोई हो नहीं सकता है। आपके घर में खाने पीने रहने उठने बैठने खर्चे पानी के लिए कुछ पैसा हो, प्रिय पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और पुत्र के यहां एक पुत्र और खेल रहा हो, तो भैया इससे बड़ा सुख अन्यत्र कहीं नहीं है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। परोपकारणम येषाम जागृति हृदय शताम नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदस्युपदे पदे। भाई जो लोग परोपकार के लिए इस संसार में अपनी नींद खराब करते हैं, परोपकारणम येषाम जागृति, या ये कहिए कि परोपकार का दीपक जिनके हृदय में हमेशा जलता रहता है, जो हमेशा लोगों के भलाई की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में जो हमेशा सोचते रहते हैं, नश्यन्ति विपदस्तेषाम, उनकी विपत्तियां हमेशा नष्ट रहती हैं, उनके ऊपर कभी कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है, संपदा स्युपदे पदे, और प्रत्येक पद पर उसको संपत्ति की, सुख की, समृद्धि की, उसकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। अब आप विचार कीजिए, जो लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम ये करेंगे तो इससे हमको ये लाभ हो जाएगा, उनको वो लाभ कभी नहीं मिल पाते और मिलेंगे तो इतने कम प्रमाण में मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत की लेकिन सफलता ऐसी नहीं मिली। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं, जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते, जब व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के लिए कार्य करता है तो वो परम श्रेय की प्राप्ति करता है। हमने इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, श्रीमद् भगवद गीता में यह आता है, आप इसको सुनिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जीवन परोपकार के माध्यम से अत्यंत सुखी रह सकता है, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो जो लोग परोपकार के दीपक जिनके हृदय में जलते रहते हैं, जो लोग हमेशा परोपकार का विचार करते हैं, उनकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और प्रत्येक पद पे उनको संपत्ति की, समृद्धि की या जो कुछ उनको चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनानी सामानी चैतानी निर्णाम पशुनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने कई बार इस बारे में सुना भी होगा। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय भयभीत होना और मैथुन यानी संभोग करना, ये प्राणियों में और मनुष्य में एक समान है। जैसे प्राणियों को भय लगता है मनुष्य को भी लगता है,
जैसे प्राणी मैथुन करता है मनुष्य भी मैथुन करता है, संभोग करता है। जैसे वो खाता है ऐसे वो भी खाता है, वो सोता है तो वो भी सोता है। भाई ज्ञान ही तो एक ऐसी चीज है जो मनुष्य में श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान ही नहीं है तो फिर तो पशु भी समाना, वो पशु ही है। फिर आप उसको मनुष्य कहें तो दो पैर वाला पशु है आप इतना कह सकते हैं, उसको मनुष्य कहना तो व्यर्थ है। दानार्थिनु मधुकरा यदि कर्णतालई दूरी कृता करिवरेण मदांध बुद्ध्या तस्यैव गंड युग मंडन हानिरेशा भृंगा पुनर्विकच पद्म वने वसंती। देखिए ये अन्योक्ति का उदाहरण है और बड़ा सुंदर श्लोक है। हाथी जो होते हैं उनके मस्तक से जब मद का धार बहती है मद की, तो भौंरे आकर उस पर बैठते हैं। अब भौंरे आकर के उस मद का रस चूसते हैं तो हाथी के बड़े बड़े कान उनको हिला करके वो उनको उड़ा देता है। कवि इस बात के ऊपर कह रहा है कि भैया अगर हाथी के मस्तक से मद रस का पान करने के लिए भौंरे आकर के बैठे हैं तो इससे हाथी की शोभा बढ़ रही है। भौंरों को क्या है, यहां से नहीं कहीं अन्य तीसरे रस मिल जाएगा, लेकिन जो हाथी के मद से भौंरे उसको ऊपर बैठे हैं उससे जो उसकी शोभा है। उसने अपने सूप जैसे कान हिलाए और उनको उड़ा दिया, इससे भौंरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी शोभा में हानि होगी। भौंरे तो कमल वन में रहने वाले हैं भैया, फिर कमल वन में चले जाएंगे, यानी सुगंधी उनके आसपास तो हमेशा बनी ही रहती है, वो तो सुगंधी के बीच में ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप उनको अपनी सुगंधी से वंचित करते हैं तो इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो सुगंधी में रहने वाले फिर सुगंधी में चले जाएंगे, लेकिन आपकी शोभा में हानि होती है। जो श्रेष्ठ लोग हैं अगर वो आपके आसपास आते हैं और आपको दिखता है कि नहीं ये तो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं और आप उनका अनादर करते हैं, आप उनको वहां से हटा देते हैं, आप उनको वहां से भगा देते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। उनकी तो स्थिति क्या है, वो तो ज्ञानी है, वो तो जहां जाएंगे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वो तो सभी जगह उनकी पूजा होगी। वो तो हमेशा आप ये मान लीजिए कि इन पूजाओं से घिरे रहते हैं, लोग उनके आसपास तो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर दयावश वो आपके पास आ गए हैं तो आपको उनका आदर करना चाहिए, आपको उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उनका निरादर करने से आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप अपनी समृद्धि अपने सुख के रास्ते बंद करेंगे, ये इसका अर्थ होता है। राजा वेश्या यमश्चाग्नि तस्करो बाल याचको पर दुख न जानती अष्टमो ग्राम कंटक। राजा वेश्या यमराज अग्नि चोर छोटा बालक और याचक पर दुखम न जानते, ये लोग दूसरों के दुखों को नहीं जानते हैं। राजा इस चीज पे विचार नहीं करता है कि भाई आपके यहां इस बार क्या हो गया है, आपके यहां बहुत बीमारियां चल रही तो आप इनकम टैक्स ना दें। राजा ऐसा नहीं विचार करेगा, वो तो इनकम टैक्स लेगा। राजा ये विचार नहीं करेगा कि आपके यहां बहुत बीमारियां चल रही हैं, आपके यहां बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो चलिए आपके आप नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर का टैक्स खत्म हो जाए। देखिए सैनिटाइजर के टैक्स फ्री कर देने चाहिए इस समय, अगर सबको उसकी जरूरत है। साबुन सस्ता करने के लिए उसके टैक्स आप हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऊपर से इन सब चीजों पे अगर 12% था तो 18% हो गया जीएसटी, क्योंकि उसी से राजा की काम। राजा कभी इस चीज का विचार नहीं किया करता है कि उसके इस कदम से किस किस को दुख हो रहा है, कौन दुखे, वो तो सबके लिए विचार करके एक जैसा करता है। अब इसमें अगर आप दुख के भागीदार हैं तो ये आपकी अपनी समस्या है। राजा एक एक व्यक्ति का विचार करके अलग अलग टैक्स नहीं बना सकता, ये भी इसका अर्थ है। विषय
अगर वो भैया आपके विचार करने लग जाएगी तो अपना विचार कैसे कर पाएगी। यमराज भी ये नहीं देखते हैं कि भैया इसके घर में यही एक कमाने वाला है, हैं? अगर इसको कुछ हो गया तो इनका पूरे घर कैसे चलेगा ना। पर दुखम न जानती, ये दूसरे के दुख को जानते ही नहीं है, बल्कि ऊपर से जो कमाने वाला होगा उसको पहले ले जाएगा यमराज। अग्नि, अग्नि भी विचार नहीं करती, अगर आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई तो सब कुछ साफ कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। इसी तरीके से चोर भी आपकी समस्या नहीं देखते, वो तो ये देखते कि मौका है, अच्छा हमारे लिए अच्छा मौका है, कर लो, मार लो चौका मौके पे। इसी प्रकार से छोटा बालक, उसको नहीं मालूम पड़ता है उसका अपना पिता मर गया हो, डेढ़ दो साल का बच्चा है, सबको रोते देखता है, लेकिन उसका तो खाने का टाइम हो गया, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, वो फिर भी खाना मांगेगा। अपने अलावा वो दूसरों के दुख को नहीं जानता है। याचको, मांगने वाला, उसको नहीं मालूम कि आपके यहां क्या हो गया। हाँ, आपके यहां अगर लोग बाग बैठे हुए हैं तो भी वो आके खाना मिल सकता है क्या, मांग लेगा। तो याचक लोगों को भी दूसरे की पीड़ा नहीं मालूम होती है। तो सात तो ये हो गए, राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक और याचक यानी भिखारी, ये लोग दूसरों के दुखों को नहीं जानते हैं। अष्टमो ग्राम कंट कहा चाणक्य कहते हैं, और इसमें एक आठवां और होता है, गांव में कोई ऐसा कांटे जैसा व्यक्ति होता है जो सबको परेशान करता है। इसके लिए ग्राम कंटक शब्द का उपयोग किया, गांव का जो कांटा होता है वो व्यक्ति भी दूसरों के दुखों को नहीं देखता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि किया करता है। तो इन लोगों के बारे में आपको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अधा पश्यसि किम वाले पतितम तब किम भूमि, रे रे मूर्ख न जानासी गतम तारुण्य मुक्तिकम। एक बड़ा सुंदर श्लोक चाणक्य प्रस्तुत करते हैं। कोई स्त्री, ज्यादातर स्त्रियां नीचे देखती रहती हैं, उनसे कोई सवाल पूछ दो तो नीचे की तरफ देखने लग जाएंगी। तो कोई पूछ रहा है कि अरे बाला, तू इस प्रकार से नीचे क्या देख रही है, क्या गिर गया है तेरा नीचे जिसको तू ढूंढ रही है। तो कहती, रे रे मूर्ख न जाना सी, अरे मूर्ख तुझे पता नहीं है, गतम तारुण्य मोक्तिकम, मेरा युवानी रूपी मोती चला गया है और मैं उसको नीचे देख रही हूं। व्याला श्रेयापि विफलापि सकंटकापि वक्रापि पंकिल भवापि दुरासदापि गंधेव बंधु रसी केतकी सर्वजंतो एको गुणा खलु निहंति समस्त दोषान। कभी ये भी आया था कि एक ही दोष व्यक्ति के सारे गुणों को खत्म कर देता है। ये 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, चाणक्य नीति का भी अंतिम श्लोक है, और बड़ी सुंदर बात के साथ चाणक्य नीति यहां पूर्ण हो रही है। कीर्ति के पुष्प से कवि कहता है कि आसपास, तुम्हारी जड़ों के आसपास फूल लपटे रहते हैं, विफला भी कोई फल नहीं लगता है। केतकी का फूल तो होता है लेकिन फूल के बाद उसमें से कोई फल नहीं लगता है। भाई फूल की उपयोगिता क्या है कि फूल के बाद फल आना चाहिए, तो विफल है। सकंट का भी कांटे भी होते हैं तुम्हें, वक्रापी फूल टेढ़ा मेढ़ा भी है, और पंकिल भवापी कीचड़ में तुम उत्पन्न होती हो, दुरासदापी बड़ी मुश्किल से तुमको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केतकी के पुष्प में जो सुगंधि होती है, चाणक्य ये कहते हैं कि तुम्हारी सुगंधि सबको इस प्रकार से वश में करने वाली है जैसे एको गुणों खलु निहंति समस्त दोषान। तुम्हारा ये एक सुगंधि वाला गुण जो है ना, तुम्हारे इन सारे दोषों पे भारी है, तुम्हारे ये सारे दोष उसके सामने समाप्त हो जाते हैं। यानी केतकी का फूल जिसमें फल तो आते नहीं है, और उसकी जड़ों में सर्पों का भी निवास होता है,
बड़ी सुगंधी आती है, कांटे भी होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी है, बेल इस प्रकार की है और कीचड़ में होती है, बड़ी मुश्किल से इस फूल को प्राप्त किया जा सकता है, ये सारे दोष हैं इसमें। लेकिन सुगंधी का एक ऐसा गुण है कि इस गुण के कारण उसके सारे दोषों को दूर करके व्यक्ति फिर भी इसके पीछे दौड़ता है, फिर भी इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो भैया जीवन में अगर कोई श्रेष्ठ गुण आप प्राप्त कर लेते हैं, आप कोई श्रेष्ठ पराकाष्ठा की चीज प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि आपके अंदर बहुत सारे दोष होंगे ना, तो सारे धुल जाएंगे, आप दूध से धुल गए हो ऐसे बन जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसा महान गुण अपने अंदर उसको उतारिए, उसका संचय कीजिए। अगर एक भी महान गुण आपके अंदर आ गया तो आपके सारे दोषों पे वो भारी हो जाएगा और सब दोषों को लोग भूल जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ बहुत से नेताओं के साथ हुआ है, बहुत से अभिनेताओं के साथ हुआ है, यहाँ बहुत से ऐसे नायक हुए हैं संसार में कि जिनके सभी दोषों को लोगों ने माफ कर दिया है और उनको अपने सर माथे पर बिठाया है, क्योंकि उनमें किसी एक गुण की श्रेष्ठता आ गई हो। तो ऐसा हुआ है, आप भी ऐसा विचार कर सकते हैं कि श्रेष्ठ बनने के लिए अगर बहुत सारी चीजों को आप नहीं पालन कर सकते हैं, तो किसी एक महान गुण को अपने अंदर खड़ा कीजिए, फिर देखिए कि आपकी सारी बुराइयां जो हैं लोगों को दिखाई नहीं देंगी। इसी सुंदर संदेश के साथ चाणक्य नीति का ये अंतिम अध्याय पूर्ण होता है। आप संपूर्ण चाणक्य नीति सुनिए, मैंने बड़ी सरल भाषा में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, आपको अवश्य आनंद आएगा। जीवन में जीवन के लिए जो उपयोगी बातें वो जानने को मिलेंगी, क्योंकि चाणक्य ने खुद कहा है कि भाई ये उनकी अपनी बातें नहीं है, उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों में से, ग्रंथों में से जो उत्तम उत्तम चीजें उनका यहां संग्रह किया है, उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य मैंने किया है। तो आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ भी जानकारी अच्छे ढंग से चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, यहाँ कालिदास है, यहाँ महाकवि भास हैं, यहाँ दंडी हैं, यहाँ भवभूति हैं, यहाँ भारवी हैं, यहाँ माघ हैं, यहाँ श्रीहर्ष हैं, यहाँ मम्मट का काव्य प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण की गीता है, वाल्मीकि का रामायण है, पूरा महाभारत है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, भर्तृहरि का नीति शतक है, इतना कुछ है कि संभवतः आप अगर इतना कुछ सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि संस्कृत साहित्य का आपको बहुत बड़ा परिचय मिल गया है, आप खुद को संस्कृत साहित्य का विद्वान भी मान सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। धन्यवाद।